अब हम जा रहे हैं सुसाइड पॉइंट पे और ये हमें डेमो भी देंगे वहाँ पे देंगे ना डेमो सिर्फ एक बार दे पाऊंगा, उसमें रीटेक नहीं हो पाएगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑन माय वेरी ओन चैनल दी सौभाग्य दीक्षित। इट्स बीन लॉन्ग दैट वी हैव पोस्टेड एनी व्लॉग ऑन माय चैनल, बट नाउ वी आर बैक एंड बैक विद अ बैंग एंड टुडे वी आर गोइंग टू नैनीताल। एक लंबा चौड़ा सा जाम क्रॉस करने के बाद हम फाइनली अपनी मंजिल के काफी करीब पहुंच गए हैं और यहाँ पे मंजिल तो फिक्स ही नहीं है हमारी, बट स्टिल। और अभी हम यहाँ पे रुके हैं मैगी और चाय पीने, तो पहाड़ों पे आए और मैगी और चाय ना खाएं क्या पहाड़? तो क्या पहाड़ों पे आए। देखिए कोमल जीजा जी होटल देखने में लगे हैं कि कहीं हम लोग को रहने की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि हम लोग एकदम ही अनप्लान्ड से आए हैं। बस रिस्पॉन्सिबल जीजा जी। तो काफी लंबे चौड़े जाम के बाद और काफी स्ट्रगल के बाद हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। सो हमने एक एयरबीएनबी बुक किया है जो कि काफी अच्छा है और नॉर्मल प्राइस नहीं कहेंगे क्योंकि इट वॉज अ लॉन्ग वीकेंड, सारे होटल्स पैक थे, सो दिस वॉज द ऑप्शन। और ये हमें मिला है 7.5K का फॉर 6 पीपल। आई शो यू अराउंड हाउ इट इज। सो दिस इज द ड्रॉइंग रूम, है एक किचन, फिर दिस इज वन रूम जो कि फिलहाल ऑक्यूपाइड है, अनदर रूम। सो या तो हम लोग नैनीताल सोच के आए थे कि इतनी ठंड नहीं होगी सिंस अप्रैल स्टार्ट हो चुका है, बट काफ़ी ठंड है और गर्म कपड़ों के नाम पे हम लाए हैं सिर्फ और सिर्फ डेनिम जैकेट। अब हम जा रहे हैं मॉल रोड और हम खाने वाले हैं सोनम मोमोज जो कि काफ़ी फेमस है और काफ़ी फेमस है, ठीक है, वर्ल्ड फेमस है ऐसा हमने सुना है। अब खा गए हम बताएंगे कि ये इस लायक है या नहीं है, क्या कहते हैं जीजा जी? जीजा जी बंद है, बंद है सोना मोमोज भी बंद है। जीजा जी ने बहुत गलत किया, व्हाट द हेल। लाइटिंग काफी अच्छी है यार यहाँ। एक मिनट और 10 मिनट। हाँ मेरे ब्लॉग वालों से पूछो, तब से तुमको तीन बार मैं ब्लॉग में ले रही हूँ, तीन बार यही पूछ रही है एक प्लेट और ले ले, एक प्लेट और आप लोग बताइए। सुना था पहाड़ों के मोमोज काफी अच्छे होते हैं, अभी ट्राई किया एंड प्लेट और वेज मोमो ले लेना। अभी हमने ट्राई किए हैं, ये कौन सी जगह है, चाइना टाउन मोमोज। अगर आप यहाँ आ रहे हैं डू ट्राई देयर मोमोज, काफी टेस्टी, काफी जूसी और काफी डिफरेंट, मतलब एक्चुअली लाइक पहाड़ों के मोमोज। कुछ भी नहीं बोले जा रही हूँ। हेलो दिस इज डे टू और हम सब रेडी हो चुके हैं, काफी सुंदर। हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए खाने पीने के लिए रुके हैं बिकॉज हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है और आते आते हमें ये रास्ता दिखा है और पीछे खूब सारे पेड़ हैं एंड द व्यू इज सो अमेजिंग। और अब हम यहाँ पे थोड़ी सी फोटोग्राफी करेंगे, फिर खाएंगे, फिर हम जाएंगे नीचे नैनीताल घूमने फाइनली। तो गाइज जैसा कि सौभाग्य ने आपको बता ही दिया है जो भी अपडेट था, तो आगे से ये व्लॉग मैं टेक ओवर कर रहा हूँ। तो ट्रिप की तो वैसे रेट पिट चुकी है, तो फिलहाल देखो घूमने को कहीं जा नहीं रहे, तो जंगलों में आके खड़े हो गए हैं, यही है इसकी वजह से हुआ ये सब। हम लोग हिमालयन व्यू पॉइंट पे आए हैं जहाँ से हिमालय दिख नहीं रहे हैं, बट अभी क्लाउड्स है ऐसा कहा जा रहा है। यार हिमालय व्यू पॉइंट पे आना मुझे काफी बेस्ट सा लगा क्योंकि हिमालय नाम की कोई चीज हमें दिखी नहीं, क्योंकि अक्टूबर टू फरवरी अगर आप आए तो चांसेस है कि आपको वो हिमालय दिख जाए, वो भी अगर क्लाउड्स ना हो तो।
सो दिस वॉज लाइक की ऑप्शनल पॉइंट, आप आना चाहें तो आइए, आपके पास फ्री का टाइम है तो, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस पॉइंट टोटली। तो ये है कैमल्स बैग, क्योंकि इसका जो चोटी है वो कैमल के बैग जैसी है। तो अभी हम आए हैं मैंगो लेक व्यू पॉइंट पे, और यहाँ से आपको पूरी लेक दिखेगी, नैनी लेक जो है, एंड इट लुक्स समवॉट लाइक एन इन्वर्टेड मैंगो। सो हैव अ लुक एंड लेट मी नो कि आपको वाकई ये मैंगो जैसा लग रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है बट थोड़ा सा कमजोर मैंगो। मंदिर का रेलिवेंस ये है कि जब शंकर भगवान सती माता को ले जा रहे थे ऊपर, तो उनके बॉडी पार्ट्स काफ़ी जगह गिरे, जिसमें से उनकी आँख इस जगह पे गिरी थी, और उसके बाद ये नैना देवी टेम्पल बनाया गया था। राइट कोपल, ऐसा पढ़ा है इन्होंने और ऐसा हमें बताया इन्होंने, और ऐसा है भी, खैर मैंने भी सुना है, बाकी फैक्ट्स चेक आप कर सकते हैं गूगल से। नाउ आर दी वेरी फेमस सोनम फास्ट फूड, जहाँ के मोमोज काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हमने काफ़ी सुना है कि बड़े अच्छे मोमोज होते हैं, दूर दूर से लोग खाने आते हैं इसे, और कल भी सिंस 1983, ओह काफ़ी पुराना भी है। सो बट क्या 1983 में इंडिया में मोमोज मिलते थे? सोचने वाली बात ये है, कमेंट डाउन बिलो अगर आपको लगता है कि उस टाइम इंडिया में मोमोज आ चुके थे, बिकॉज मोमोज तो कितने अभी नए नए आए यार, 10 साल हुए आई थिंक इंडिया में, उससे पहले तो मैंने नहीं सुना था। एनीवेज, इट्स ट्राई देयर मोमोज एंड सी कि जितना इनका नाम है उतने ही ये बर्ड है या नहीं है। कैसे लगे मोमोज आप लोग को? सोनम मोमोज, मोमोज जो है इनकी अंदर की स्टफिंग तो अच्छी है, पर जो आउटर लेयर है ना, वो जो हमने कल खाए थे उसकी ज्यादा अच्छी थी। ये एकदम फूड ब्लॉगर प्रो। अब हम नैनीताल में जो सब करने ज़रूर ज़रूर आते हैं वो करने आए हैं, अब हम बोटिंग करने जा रहे हैं, मतलब शुरू कर चुके हैं, और 420 रुपये टिकट था, जिसमें हम पूरी झील का एक चक्कर लगाएंगे, और मेरे साथ है मेरे साथी। हमारी रूफ टॉप से जहाँ पे हम रुके हैं, और अभी काफ़ी सारे पेड़ हैं जो कि जिसकी वजह से व्यू दिख नहीं पा रहा है, बट अभी हम जा रहे हैं नीचे, कुछ खाएंगे पिएंगे और घूमेंगे, तो मैं वहाँ पे आपको व्यू दिखाऊंगी। 2 दिन की ट्रिप में आप देख सकते हैं कितना कम सामान, भूख से हताहत। तो अभी हम आ चुके हैं लवर्स पॉइंट पे, और इस पे कुछ टिप्पणी दी है हमारे दोस्त को सेंदर ने, क्या कह रहे थे आप? भाई देखो ये लवर्स पॉइंट है, और इसमें अगर आप वहाँ तक जाते हो तो ये सुसाइड पॉइंट बन जाता है, दिखा दो कौन सा, देखो। हाँ जी, यहाँ तक अगर आप जाओगे ना इस पत्थर, तो यही सुसाइड पॉइंट आपका बन जाएगा। तुमने उसका फोन गिराया तो ये मर्डर पॉइंट भी बन सकता है। तो लवर्स पॉइंट में ऐसा कुछ लविंग सा है नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं। अब आगे चल के सुसाइड पॉइंट में देख के बताएंगे कुछ सुसाइडिंग सा है। सुसाइडिंग तो मतलब मैं बेस्ट रिव्यू देना चाहती हूँ अपनी ऑडियंस को, तो आप यहाँ अगर आ रहे नैनीताल तो लवर्स पॉइंट आप स्किप कर सकते हैं, 2 रुपीज। अब हम जा रहे हैं सुसाइड पॉइंट पे, और ये हमें डेमो भी देंगे वहाँ पे, तो चलिए चलते हैं। डेमो सिर्फ एक बार दे पाऊंगा, उसमें रीटेक दे पाएगा। कोई नहीं, ब्लॉग हिट हो जाएगा, दैट्स व्हाट इम्पॉर्टेंट। जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही ब्लॉग में, ये हो जा रहा है मेरे साथ, क्योंकि मेरे साथ जो कंपनी है ना वो मुझे बातें कुछ बताती है और फिर बाद में कुछ और पता चलता है। तो ये है फाइनली दोस्तों लवर्स पॉइंट, और जो अभी हमने ऊपर देखा था वो था सुसाइड पॉइंट। खैर आप लवर्स पॉइंट से भी सुसाइड कर सकते हैं, क्योंकि खाई अच्छी खासी गहरी है। नहीं, मैं
करेक्ट करना चाहूंगा, सुसाइड पॉइंट यहाँ नहीं बन पाएगा, ज्यादा से ज्यादा इंजरी पॉइंट बन जाएगा। एक आध हड्डी टूटेगी, सुसाइड नहीं होगा तो ट्राई भी मत करना। लेकिन उधर गहरी खाई है यार, हो सकता है सुसाइड। जा रही है डेमो, देखे तो देखेगा इस। चलो हम जा रहे हैं व्यू पॉइंट देखने, तो हमने क्योंकि यहाँ के टेढ़े मेढ़े रास्ते, तो हमने गाड़ी बुक कर ली थी, क्योंकि हमें पड़ी है 3,000 रुपए में। इससे कम और इससे ज्यादा में आपको मिल सकती है, वो आपकी डिपेंड करता है बार्गेनिंग स्किल्स पे। तो यहाँ पे हमारे पास काफी होनहार लोग हैं जिन्होंने 3,000 में ये गाड़ी बुक करवा ली। अब हम लोग काफी सारे पॉइंट देखने जा रहे हैं। पहला पॉइंट जो देखने जा रहे हैं व्यू पॉइंट, जहाँ से हमें दिखेगा पूरा नैनीताल। तो हम जब खुद देखेंगे तब आपको दिखाएंगे। This is the view. This is Naini Lake. Nice place. मतलब आप यहाँ पे definitely आ सकते हैं। ये 10/10 दूंगी मैं इस जगह को। बहुत ही प्यारा व्यू, बहुत ही ठंडी ठंडी बढ़िया सी हवाएं चल रही हैं, कोपल के लहराते हुए बालों से आपको पता चल रहा होगा। अभी हम नैनीताल से भीमताल आ चुके हैं। भीमताल में हमने भीमताल वाली लेक देखी। अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा फोटो शूट कराने आए हैं, क्योंकि पीछे का खाने आए हैं, इनको फोटो शूट करना है। हाँ, इनको करानी है, आपने नहीं कराई है। अब हम जा रहे हैं मैगी खाने। जब से आए हैं पहाड़ों पे, मैगी और मोमोज के अलावा कुछ खा ही नहीं रहे, क्योंकि एक्चुअली यही बेस्ट चीजें हैं जो आपको अच्छी मिलेगी। बाकी तो हमारे साथ काजल हैं, जो कि केबिन क्रू हैं, और ये हमें थोड़ा सा डेमो दिखाएंगी, जैसे वो कहते हैं ना, आगे के दो द्वार पीछे के दो द्वार। सो ओवर टू काजल। सो इट हैज बीन ग्रेट 3 days इन नैनीताल, मगर जितना जाम हमें आते वक्त मिला था उतना ही जाम हमें जाते वक्त मिल रहा है। और हम निकले थे काफ़ी जल्दी भीमताल से, और हमें हल्द्वानी तक पहुंचने में बहुत वक्त लग गया। अपने डेस्टिनेशन पे कब पहुंचेंगे पता नहीं।